नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। बीएसएससी पेपर लीक मामले में यूओयू ने बड़ा खुलासा किया है। जी हां, आर्थिक अपराध इकाई ने अभी अभी बड़ा खुलासा किया है। मैं आपको बता रहा हूं कि इस मामले में मोतिहारी से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था, उससे आर्थिक अपराध इकाई की टीम सख्ती से पूछताछ कर रही थी, कई ट्रेस मिले थे, उन ट्रेसों में से एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, ईओयू को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है आपको ये बीएसएससी पेपर लीक मामले में। मैं आपको बता रहा हूं कि अभी की सबसे लेटेस्ट खबर है कि बीएसएससी पेपर लीक मामले में ईओयू को बड़ी कड़ी मिल गई है। जी हां, वो बड़ी कड़ी हाथ लग गई है कि जिस अभ्यर्थी ने इस पेपर को वायरल किया था उसकी गिरफ्तारी हो गई है। जी हां, मैं फिर एक बार बता रहा हूं आपको कि आपको जिस सेंटर से उसका भी पता लगा लिया है ईओयू की टीम ने, डीएसपी स्तर के अधिकारी इसके अनुसंधानकर्ता बने हैं, और वो सेंटर का भी पता लगा लिया गया कि किस सेंटर से सबसे पहले यानी कि प्रथम पाली के जो एग्जाम थे उसके कुछ ही मिनटों के बाद ये वायरल हो गया था पेपर। वो अभ्यर्थी कौन था उसको भी ईओयू की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है, और इसके साथ वहां से उसने यानी अभ्यर्थी ने जो सेंटर पर मौजूद था उसने किन लोगों को भेजा था ये पेपर, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं एक एक कर परत दर परत सारे मामले को आपके पास रख रहा हूं जो ईओयू के तरफ से अभी की लेटेस्ट अपडेट है। मैं आपको बता रहा हूं कि वो स्कूल का नाम है मोतिहारी में, वो स्कूल है, स्कूल का नाम है शांति स्कूल जुबली। जी हां, शांति स्कूल जुबली मोतिहारी, इसी स्कूल से पेपर वायरल किया गया था और वो शख्स को गिरफ्तार किया गया, वो अभ्यर्थी को भी गिरफ्तार किया गया जिसने इस सेंटर से सबसे पहले पेपर यानी कि कुछ ही मिनट अभी हुए थे एग्जाम स्टार्ट के और उसके बाद इसने वायरल कर दिया था, और उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया जिसको इस अभ्यर्थी ने सबसे पहले भेजने का काम किया था। यानी कि ये एक ताजा अपडेट है, इसके साथ ही कई लोग अभी हिरासत में लिए गए हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है, सख्ती से पूछताछ की जा रही है, कई ट्रेस मिली है पुलिस को और उन ट्रेस के आधार पर लगातार छापेमारी की जा रही है। लेकिन अभी की सबसे लेटेस्ट अपडेट खबर है कि वो अभ्यर्थी गिरफ्तार हो चुका है जिसने सबसे पहले आपको इस स्कूल से प्रश्न पत्र को लीक करने का काम किया था यानी कि वायरल करने का काम किया था। वो तमाम लोग एक एक कर कड़ी में जुड़ते चले जा रहे हैं। सबसे पहले मोतिहारी से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उससे पूछताछ हुई, उसके बाद इस अभ्यर्थी की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद इस अभ्यर्थी ने जिस शख्स को भेजा उसकी गिरफ्तारी हुई, यानी कि अभी तक कुल मिलाकर के दो लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि की गई है और अभी बाकी है, कई लोगों पर शक की सुई घूमी हुई है। तमाम वो कड़ी को जोड़ा जा रहा है, टीम जोड़ रही है, लगातार छापेमारी चल रही है। हम आपको पल पल की आपको अपडेट करते रहेंगे, बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।